हो गया क्या कहा तूने? गट फीलिंग। देख गट तो दूर की बात, पहले अंदर फीलिंग्स तो ला। सुन बहुत बार समझा चुका हूँ, ऑन ए सीरियस नोट, तेरे पास लिमिटेड दिमाग है, हाँ? वो से खर्च मत कर, खर्च करेगी तो लोन मांगेगी, तुझे लोन भी कोई नहीं देगा, और अगर लोन कोई नहीं देगा तो तू मेरा दिमाग खाएगी, जो मैं नहीं चाहता। और तुम्हें समृद्ध सर मिस ब्योंकेश पक्षी नहीं है जो यहाँ डिटेक्टिव गिरी में लगी हुई है। और तुम भी कोई चलते फिरते सर्च इंजन नहीं हो जो तुम्हें सब कुछ पता है। तो जब तू इतना जानती है मेरे बारे में तो क्यों बहस कर रही है? मान जाना मेरी बात। तुम ना कुन सर ना तुम्हारा तुम्हें क्या 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 बोलना बोलना बोलना। मिसेस ट्विंकल कुन सर ना। मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है, मिसेस ट्विंकल कुन सर ना नहीं, समझे? शादी के बाद पति का नाम ही पत्नी का नाम होता है, भूल गए? और मुझे नहीं चाहिए इस पति का नाम जो एक नंबर का खड़ूस सरना है। मैं खड़ूस? हाँ। मैं खड़ूस हूँ ना तो तू मिस्टर एंड मिसेस कुंज सरना, यू बोथ आर गोइंग टू बी अवार्डेड द दिल वाले कपल ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या आवाज कहाँ से आ रही है? हम हैं दिल वाले। पर आप है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम जरा स्टाइल से एंट्री मारने वाले हैं। स्टाइल से? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप दोनों यहां जाइए। वेरी नाइस टू सी यू बोथ। तो आप हैं वो फेमस लव बर्ड सरना, राइट? जस्ट लाइक अस। वी हैव टू डिक्लेयर समथिंग। द मोस्ट कंपैटिबल कपल ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिस्टर एंड मिसेस कुंज एंड ट्विंकल सरना। एवरीबॉडी बस यही सोच के तो बदलना है। मोस्ट कंपैटिबल जोड़ी वो होती है जिनका प्यार उनके खट्टे मीठे टकरार में भी नजर आए। मेरे भैया और भाभी एब्सोल्युटली। और तुम्हें अपने सेशन और टकरार को एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके लिए हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। हियर इट इज, ये अवार्ड हम तुम दोनों के लिए लेकर आए। ये हमारा दिन वाले हैंपर है और इसमें हमारी पिक्चर की टिकट है। तो पहले आप हमारी पिक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद एक 5-star होटल में एक रोमांटिक कोजी डिनर डेट के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपना सेशन, अपना जश्न, अपना तकरार और मेनली अपने प्यार को सेलिब्रेट करो। प्यार भी एक दूसरे से नेवर। प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कई लोग बता नहीं पाते और कई लोग जता नहीं पाते। कैसे मेरे प्रिय जीजू? आ जा पकड़ के बैठ जा और सुन। हाँ। रास्ते में गिर गई तो आवाज दे देना। ओके कुछ तुम बिल्कुल भी फनी नहीं, समझे? स्टूपिड जोक्स। डोंट टेल मी तुमने अपने दिमाग में कोई जोक क्रैक किया पर उस पे खुद ही हंसी जा रही। तू कर क्या रही? सांस ले रही हूँ। उससे भी प्रॉब्लम है? तूने हाथ कहाँ रखा है? देख थोड़ा ऊपर है, मेरे को गुदगुदी होती है। What? Really? देख अब तू जानबूझ के कर रही है। आई स्वेयर मैं जानबूझ के नहीं कर रही, गलती से हाथ लग गया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें गुदगुदी करने का। बस तुमने पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हें ये गुदगुदी की मेडिकल कंडीशन है। गुदगुदी की मेडिकल कंडीशन नहीं होती, गुदगुदी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, सबको होती है। किससे आर्ग्यू कर रहा हूँ मैं? शौक दिया तेरे साथ आर्ग्यू करने का। तू एक काम कर, जैसे आते वक्त बैठी थी ना ऐसे कंधे पे हाथ रख के वैसे बैठ। तू मुझे हक करना डिजर्व ही नहीं करती। एक मिनट, कहीं तूने उन दिल वालों की बात कुछ सीरियसली तो नहीं ले लिया? तू तो बड़ा रोमांस सूझ रहा है मैडम। रोमांस? वो भी तुमसे? सड़ू सड़ना से? नेवर नेवर एवर इन माय लाइफ। गलती से हाथ के लग गया, तुम तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। और वैसे तुमसे बहस क्यों कर? मैं टैक्सी से ही चली जाती, वैसे भी सारे रास्ते तुम्हारे गंदे अनफनी जोक सुन के पकने से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊँ। और हाँ एक चीज और, ये लो ट्विंकल। तू अजीब बीवी मिली है मुझे, मतलब नखरे खत्म ही नहीं होते। पिछले जन्म में कोई इच्छा तारी नागिन वागिन थी है? रूप बदलती रहती, कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी झांसी की रानी बन के ना राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ जाती है। पर अभी देखो पीटी उषा बन गई, भागे जा रहे, इसका पीछा करो।
वही सापा कोई तेरे ना ये नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। मैं जानता हूँ तेरा प्लान क्या, घर जाएगी और बेबी के सामने बोलेगी कि कुंज मुझे अकेला छोड़ा। नहीं मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं, तुम टेंशन मत लो कुंचन, मैं बेबी से तुम्हारी कंप्लेन भी नहीं करूंगी, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें फिर गलत फहमी हो जाएगी कि कहीं मुझे तुमसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तू बुरा क्यों मान जाती, तुम्हारे मजाक इतने बुरे होते हैं कि मुझे बुरा लग जा, समझे? ओए, बड़ा रंजा बनता फिर रहा है तू है, और ये कुड़ी का पीछे क्यों कर रहा है, छेड़ रहा है तू कुड़ी को, वो भी दिन दहाड़े और मेरे इलाके में। नहीं चल तू पुलिस स्टेशन चल, मैं बताता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब आपको गलत फहमी हुई है, मैं एक मिनट प्रूफ है मेरे। कि मैं ये मेरी बीवी दोनों मैरिड, हमारी शादी का सर्टिफिकेट। कमाल का बंदा है तू, सारे सबूत साथ लेके घूमता है। सर जब 30 मार खान बीवी मिलेगी ना आपको तो आप भी यही करेंगे। भाई सबूत तो तेरे सब पक्के, मतलब कि वाकई में तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन फिर इसका पीछा क्यों कर रहा है? आप शादीशुदा हैं तो आप मेरी बात अच्छे से समझेंगे। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? जी। अरे भाई झगड़ा भी हुआ है तो घर पे निपटाओ, ऐसे सड़क पे नहीं, ठीक है? थैंक यू। चुप, कुछ मत बोलिए वरना। नहीं नहीं हाँ, ये हटा। नहीं लीला जी, आप ठीक है ना? आंटी यूवी सॉरी, एक्चुअली हुआ क्या कि वो सुरजीत अंकल ने ना यूवी को ये खिलौना गिफ्ट करा था, तो यूवी ने सोचा कि कहाँ ट्राई करे, तो इसीलिए आपको परेशान करा। आई एम सॉरी यूवी सॉरी। आंटी प्लीज इन्हें बोलो ना कि मुझे घर से ना निकाले, प्लीज मेरी बात। तुझे कोई भी कहीं भी जाने नहीं देगा, तू हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। नहीं नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप यूवी को घर से बाहर नहीं निकालोगे। प्रॉमिस है? नहीं ये वाला प्रॉमिस नहीं, वो हाँ गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस वाला, गॉड गॉड दी प्रॉमिस। ये मुझे दे दे, बुरी बुरी बात है बता, दे 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 ना। यूवी की हरकतें देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है एक्टिंग कर रहा है या सच में इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। दिल कहता है कि यूवी कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन फिर इसकी हरकतें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और ट्विंकल यूवी के बारे में गलत हूँ? क्या यूवी वाकई में अपना मानसिक संतुलन खो चुका है? आपको पता है और हम सबको मालूम है कि ट्विंकल ने यूवी के साथ इस घर में अब तक कोई सही बर्ताव नहीं किया, हमेशा उस पे शक करती है, उसमें गलतियां निकालती है। अरे यूवी तो बच्चा है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है, पर हम सब अपनी आंखें कब तक बंद रख सकते हैं बेबे? कल रात को ट्विंकल ने जो हरकत की उसके बाद मैं ट्विंकल को और कुंज को इस घर में रहने नहीं दूंगा। अगर उन्हें यूवी से प्रॉब्लम है तो बेशक वो ये घर छोड़ के जा सकते हैं। अरे एक तो मैंने उन्हें इस घर में रेंट दिया, एहसान किया, मेरा एहसान जताने के बजाय मेरे बेटे की बुराइयां करते हैं। और वैसे भी बेबे उन भिकमंगों की औकात नहीं इस घर में रहने की। ये तो क्या कह रहा है, ट्विंकल और कुंज घर छोड़कर चले जाए? सुरजीत बच्चों को एक मौका दे, मान जा। बेबे मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेहद प्यार करते हो,
लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप उससे भी ज्यादा प्यार इस पूरे परिवार से करते हो। आपका सपना है कि आप इस परिवार को साथ साथ हमेशा खुश देखो। मैं आपका सपना टूटने नहीं दूंगी बेबे, क्योंकि मैं भी इस परिवार से उतना ही प्यार करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से इस परिवार में फूट पड़े। वो नहीं होना चाहिए ना बेबे। अगर इसी में सबकी खुशी है तो मैं इस घर से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे घर से जाना होगा बेबे। नहीं जाएगी। ट्विंकल की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक मौका दे दीजिए, इस परिवार को बिखरने मत दीजिए। सुजीत, सुजीत, ये कैसी इज्जत है एक बच्चों को अपने ही घर से बाहर निकालने के लिए? एक मौका दे दे, मैं इन दोनों की जिम्मेदारी लेती हूँ। मान जा। ठीक है बेबे, आप कहते हो तो इन दोनों को एक आखिरी मौका दे देते हैं। लेकिन आयन अगर इन्होंने इतनी सी भी गलती की ना तो सामान के साथ घर से बाहर निकाल के दूंगा। मैंने इस पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल से जोड़ कर रखा है। पुत्र, अब तेरी जिम्मेदारी है, मेरे संसार को बिखरने मत देना, इसे प्यार से जोड़ कर रखना। तुझे पता है पुत्र, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़ी नाजुक डोर से जुड़े होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इस घर के रिश्तों को, नाजुक रिश्तों को संजो कर रखना। तेरी वजह से आज बेबे की आंखों में आंसू आए ट्विंकल, तेरी वजह से घर में फिर से हंगामा हुआ, तेरी वजह से मेरा परिवार बिखरने वाला था ट्विंकल, तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, जो मैं होने नहीं दे सकता। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू जिम्मेदारी है मेरी, जैसे ये परिवार हम दोनों की जिम्मेदारी है। पर तू बार बार, तुझे ये बात क्यों बतानी पड़ती है? तुझे क्यों समझ नहीं आता कि परिवार को साथ में लेके चलना है हमें? क्यों तुझे समझ नहीं आता ट्विंकल? आखिरी बार मैंने तुझे सपोर्ट किया, आज के बाद अगर तूने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं खुद तुझे इस घर से जाने के लिए कह दूंगा। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कुछ मुझसे नाराज है, मेरी शादी की बुनियाद हिल रही है। मैं यूवी की वजह से अपनी शादी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, और ये मेरा खुद से वादा है। गुड मॉर्निंग कुंज। कुंज, तुमने मुझे कल रात को जो जो कहा था ना, मैंने वो सब नोट कर लिया है। आई प्रॉमिस, अब मेरी वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेट। कु
कुंज तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, कुंज तुम मुझे डांट लो, मुझसे झगड़ा कर लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो ना। तुम जब ऐसे साइलेंट मोड में चले जाते हो ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। हो गया, तू चाहती क्या है? ऐसे तो बोलती रहती है कि झगड़ा मत करो, और जब कुछ नहीं बोल रहा तो बोल रही है कि झगड़ा करो। इतनी कंफ्यूज क्यों है लाइफ में? अच्छा सुनो, मैं माँ के घर जा रही हूँ बब्बी से मिलने। तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो मुझे अभी बता दो। मेरे जाने के बाद मुझे बार बार फोन करके मत पूछना ट्विंकल ये कहाँ रखा है, ट्विंकल वो कहाँ रखा है। मुझे पता है मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता ना बिल्कुल भी। तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता, ये एकदम नया था। वैसे तू जैसी झल्ली के बिना मेरा काम नहीं चलता। इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी अपनी चीजें ढूंढने के लिए। उस दिन याद है 10-15 मिनट ढूंढती रही तेरा फोन का है, फोन का है, फोन का, और मिला का तेरे हाथ। बाय द वे ट्विंकल, तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्विंकल। दोस्त दोस्त देख, यूवी अब गुड बॉय बन गया। यूवी कल अपने रूम में सोया है, तुम दोनों के साथ नहीं सोया, तुम्हारे रूम में। अब ये ट्विंकी मुझे पागल खाने तो नहीं भेजेगी? अब मैं घर में रह सकता हूँ ना? हाँ दोस्त बोलना, दोस्त बोलना। यूवी तुम कभी कहीं नहीं जाओगे, हमेशा अपने दोस्त के साथ रहोगे। और रही बात ट्विंकल की, तो वो तुम्हें घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं निकालने नहीं दूंगा। ये चल दोस्त एक सेल्फी लेते हैं। ना दे, फोन दे, फोन दे, फोन फोन दो 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 फोन दो। ट्विंकी तू भी आजा, आजा यहाँ पे, यहाँ पे बीच में आजा, बीच में आजा। अब ना ऐसे करो, ट्विंकी यूवी बहुत हंग्री है, चल यूवी को यम्मी सा ब्रेकफास्ट बना दे, चल कम ऑन लेट्स गो फास्ट। ट्विंकी ये जगह परफेक्ट है, यहाँ से मैं यूथ पे नजर भी रख पाऊंगी एकदम प्रॉपरली। ट्विंकल यूवी के रूम में क्या कर रही? यूवी पर नजर रखना चाहती है, शायद तभी इस अलमारी में छुपी। चलो ये तो वेरी गुड हो गया। किसी को पता नहीं चलेगा कि ट्विंकल है कहां। अब मैं सबको बहाने से घर के बाहर भेज दूंगा, फिर बस मैं और मेरी प्यारी भाभी जी बिल्कुल अकेले। अरे अब तो बिल्कुल इंतजार नहीं होता। लगता है ट्विंकल बेहोश हो गई।
चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की परेशानी है, फिर तो बस उसके बाद खुशी खुशी। जो खुशी कुंज तुम्हें नहीं दे पा रहा है वो सारी खुशी तुम्हें मुझसे मिलेगी प्यारी ट्विंकल भाभी जी। इन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। तुसे फिक्र ना करो, किसी को पता नहीं चलेगा इसमें क्या है। इसे चुपचाप से मेरे फार्म हाउस पहुंचा देना। चलो मैं चलता हूँ, सीधे फार्म हाउस में मिलते हैं। कौन हो तुम लोग? वो हम। ओए, तुम लोग अभी तक निकले नहीं यहां से? ओए जल्दी काम खत्म करो, मेनू लेट हो रहा है, निकलो जल्दी। बस जा ही रहे हैं। ओए कुंज, तू यहां पर? जी क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है और की। तुम लोग निकल गए, मैं भी निकलने वाला था, लेकिन ये सब आ गए। कहने लगे कि सुरजीत जी ने कहा है कि इस अलमीरे को दुकान तक पहुंचाना है। अब बाबू जी का ऑर्डर है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। निकलो ना जल्दी जल्दी, निकलो काम करो जल्दी जल्दी। अरे कुंज, 5 मिनट दे दे, मैं जरा दोस्त का कॉल है। हाँ भाई। मैं पहुंच रहा हूँ, एक काम। अरे इमरजेंसी में अटक गया था। हाँ चल ओके। अरे कुंज गए क्या? बोलो, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, मैं भी चलता हूँ। लेकिन तू यहाँ पर, तू वापस क्यों आ गया? एक्चुअली ट्विंकल के घर से कॉल आया था, वो अपनी मॉम के घर जाने वाली थी पर वहां पहुंची नहीं। ओ भाई ये पैसे रख और याद रख, ये बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैंने कहा था इस अलमीरे को फार्म हाउस तक पहुंचाने के लिए, और इसमें एक बेहोश लड़की है, और अगर कभी भी कोई भी तुझसे पूछे ना तो बस यही कहना कि सुरजीत जी ने कहा था इस अलमीरे को दुकान तक पहुंचाने के लिए। समझ गया ना तू? समझ गया। चल निकल जा, ताकि कभी भी कोई भी अगर बाऊजी से पूछेगा तो बाऊजी साफ साफ मना कर देंगे, सारा का सारा शक जाएगा हमारी भाई मम्मी जी पर। चलिए ट्विंकल भाभी जी, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ट्विंकल जी, बेहोशी में और भी खूबसूरत लगती हो आप।
चले बैठते। ये लोग अलमारी लेने तभी क्यों आए जब घर पे कोई नहीं? तो बाय चांस चेरी भैया आगे, वरना वो भी बाहर जाने वाले। इसका मतलब ये कि अनीता आंटी ने इन लोगों को जान के तब आने को कहा था जब घर पे कोई ना हो। अंकल का मतलब उस अलमारी में जो कपड़ा, हाँ, यूवी की सेल्फी है। दुपट्टा तो वही दुपट्टा है जो, इसका मतलब ट्विंकल उस अलमारी में, इसका मतलब वो लोग ट्विंकल को उस अलमारी में लेकर, उस आदमी का कार्ड, उस आदमी का कार्ड। मैं आ रहा हूं ट्विंकल। ट्विंकल कहाँ है? किसकी बात कर रहा आप? मैं किसी को नहीं जानता। नहीं पता तो मैं याद दिलाता हूं, ट्विंकल मेरी बीवी, जिसे तुमने किडनैप किया उस अलमारी के अंदर डाल के मेरे ही सामने मेरे ही घर पे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हमें तो बस इतना कहा गया था कि अलमारी वहां से उठानी है और लानी है, और जब हम वहां पर पहुंचे तो पहले से ही लॉक थी। हमने तो बस उठाया और पहुंचा दी। बोल कहां लेकर गए अलमारी? बोल वरना तेरा वो हाल करूंगा, कभी खुद को नहीं पहचान पाया। लेक साइड फार्महाउस। क्या लेक साइड फार्महाउस? ये तो वही फार्म हाउस है जो ताऊजी ने अभी अभी खरीदा है। इसका मतलब ये कि पूरी गेम अनीता आंटी ने सेट की है। वो ताऊजी का नाम लेकर ट्विंकल को, नहीं मैं ट्विंकल को कुछ नहीं होने दूंगा। सारा अमृतसर इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन अपनी बीवी को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। मैं आ रहा हूं ट्विंकल। ये टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहा? भाभी जी माफ कीजिएगा, मैं पहली बार आप मेरे साथ अकेले आई हैं, और मैं आपको ये गुड फॉर नथिंग क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने जा रहा हूं। कि अगर आप होश में रहती तो मैनू पहचान जाती, और अगर आप मैनू पहचान जाती तो मैनू प्रॉब्लम हो जाती। ऐसे प्रॉब्लम तो आपको भी होती, बेकार में मुझे देखकर आप शर्मा जाती है ना। वैसे भाभी जी कमाल लगती हो, बेहद खूबसूरत। अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी मेरी होती ना, चांद सितारे सब कुछ कदमों में बिछा देता। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।